हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कंधे दर्द के बारे में। कंधा दर्द अक्सर ही लोगों को प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो रही है, ठीक है। बहुत लोग कंधे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ कंधे के बारे में। फ्रोजन शोल्डर का कारण, अगर कारण क्या होती है, क्यों हमको फ्रोजन शोल्डर होता है, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर के कारण जानने से पहले यह जानना है कि जो हमारा कंधा है यह कई तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जैसे ऊपर देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें हड्डियां, लिगामेंट, टेंडन तथा मांसपेशियों का सम्मिलित होती है, ठीक है। मांसपेशियां मिल करके एक ज्वाइंट बनाती है। इसके अलावा यहाँ कई तरह के कैप्सूल भी होते हैं कि कंधों में मौजूद होते हैं, जैसे ऊपर देख रहे होंगे। मतलब फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर कैसे होता है, फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज में ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं, प्रिकॉशन क्या है, बचाव क्या है, सेकंड थर्ड स्टेज बात करेंगे, ठीक है। इसका थेरेपी कैसे लें, ठीक है, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। शोल्डर कंधा दर्द होता है, जाम होती है, हाथ उठाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो डॉक्टर क्या लिखते हैं एग्जामिन करके, आपका एग्जामिन करने के बाद लिखते हैं फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में कौन सा स्टेज, ये भी लिखते हैं पर्चे में आपके। तो आज हम इसी बात करेंगे, आखिर फ्रोजन शोल्डर बीमारी कैसे बढ़ी, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें हम चर्चा करेंगे। इसके कारण क्या है होने के। देख, पहले ये फ्रोजन शोल्डर था, पहले बीमारी में गिनती था ही नहीं, ये कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है। लेकिन हर 10 आदमी में 8 आदमी को फ्रोजन शोल्डर या कंधा दर्द पेन समस्या आ रही है, तो अब मेडिकल फील्ड में इस बीमारी का कैटेगरी में इसको गिना जाता है। आजकल के सबसे पेनफुल कहा जाए तो कंधा दर्द, ठीक है, बहुत ज्यादा है, सो नहीं पाएंगे, हाथ उठा नहीं पाएंगे, पेन होगा, बहुत दर्द होगा, ठीक है। तो अपने फ्रोजन शोल्डर के बारे में जानकारी, ठीक है, अपने फ्रोजन शोल्डर के बारे में जाने, क्यों होता है, कैसे हो जाता है, कैसे प्रिकॉशन करना है, ठीक है, लक्षण क्या है, उपाय क्या है, ठीक है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रोजन शोल्डर आमतौर पर से होने वाली समस्या है, जैसे हमने बताया अभी, बड़ी संख्या में लोग फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित हो रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर का शिकार हो रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों में वास्तव में पता चल ही नहीं उठता है, पता नहीं लगा पाते हैं कि फ्रोजन शोल्डर है क्या, ठीक है, वो जान ही नहीं पाते हैं फ्रोजन शोल्डर है क्या। सबसे बड़ी सवाल हो जाती है कि फ्रोजन शोल्डर को हिंदी में कहते क्या है, तो बताते हैं कि फ्रोजन शोल्डर को हिंदी में कहते हैं कंधे की अकड़न, कंधा जाम होना, यानी फ्रोजन शोल्डर कंधा जाम होना, यही फ्रोजन शोल्डर आ रही है, इसी को फ्रोजन शोल्डर होने की बीमारी कहते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में फ्रोजन शोल्डर ही हिंदी में बोला जाता है, ज्यादातर लोग फ्रोजन शोल्डर ही बोलते हैं, कंधा जाम होना, अकड़ जाना बहुत कम लोग बोलना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल टर्म ज्यादा लोग अब बोलना शुरू कर रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर है क्या, फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारे कंधों में स्टिफनेस और दर्द होने लगता है, इस कारण से हम कंधे में कोई हरकत नहीं कर पाते हैं, कोई घुमाव नहीं कर पाते हैं, और घुमाव करते हैं तो बहुत काफी दर्द होता है, समस्या काफी अधिक होने लगती है, बिल्कुल ही बंद हो जाता है, स्टिफनेस और दर्द होने लगता है। इस कारण कंधे से हाथ का घुमाव काफी कम या समस्या काफी अधिक होने पर बिल्कुल ही बंद हो जाता है, ठीक है, हम घुमा नहीं पाते हैं, मूवमेंट पूरा बंद हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन पूरा बंद हो जाती है, या जरा सा हिलाने पे काफी तेज दर्द होता है। इस स्थिति को हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर को ही एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। जी हाँ, अक्सर बहुत पर्चे में डॉक्टर लिख देते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। जी हाँ, फ्रोजन शोल्डर को ही एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलता है। इस तरह से ये पता चल गया होगा आपको कि फ्रोजन शोल्डर क्या है, यही जवाब इस सवाल का भी है कि एडहेसिव कैप्सुलाइटिस क्या है, फ्रोजन शोल्डर को ही बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें समस्या की शुरुआत धीरे धीरे होती है, और अगर समय पर इलाज नहीं होता है तो धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाती है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एक अच्छी बात यह है कि समस्या अगर कुछ ज्यादा भी बढ़ जाती है तो फ्रोजन शोल्डर का इलाज सफलतापूर्वक भी हो जाता है, लगातार फिजियोथेरेपी कराने से जल्दी आपको आराम मिलने लगता है। इस बारे में हम अभी आगे विस्तार से बता रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर के लक्षण आमतौर से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं। शुरुआत में देखने को मिलता है कि मरीज को कभी कभी हाथ घुमाने पर कंधे के पास, ठीक है, दर्द शुरू हो जाता है, पेन बढ़ने लगती है, धीरे धीरे समस्या बढ़ती ही जाती है। फ्रोजन शोल्डर का 3 स्टेज होता है, 3 स्टेज अलग अलग होते हैं, उनके स्टेज पर निर्भर करता है। इन तीनों के अलग अलग स्टेज में फ्रोजन शोल्डर के लक्षण अलग अलग होते हैं या देखने को मिलते हैं। लक्षण के आधार पर पता चलता है कि फ्रोजन शोल्डर अभी किस स्टेज में है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं तीनों स्टेज के बारे में। फ्रोजन शोल्डर के मुख्यतः 3 स्टेज होते हैं, ठीक है, एक फ्रीजिंग स्टेज, एक फ्रोजन स्टेज,
एक थ्विंग स्टेज। जी हाँ, थ्विंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जैसे ही कंधे के पास कोई मूवमेंट होता है तो कंधे में दर्द होने लगता है, साथ ही इस स्टेज में रेंज ऑफ मोशन घटना शुरू हो जाता है। यानी कि आप आमतौर से जितने तेजी से हाथ घुमा पाते हैं या जितना तेजी से फ्री हाथ घुमा पाते हैं और इस स्टेज में वैसा नहीं कर पाएंगे। दूसरा फ्रोजन स्टेज, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, जो फ्रोजन स्टेज होती है, फ्रोजन मतलब फ्रीज, जम जाना, ठीक है। इस फ्रोजन शोल्डर का दूसरा स्टेज फ्रोजन शोल्डर कहलाता है। शोल्डर का लक्षण यह है कि इस स्टेज में आमतौर पर पहले के मुकाबले दर्द कम होने लगता है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन घट जाती है तथा कंधा बिल्कुल स्टिफ होने लगता है, टाइट होने लगती है, जाम होने लगता है। ऐसे में कंधे का उपयोग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में आमतौर पर मरीज गलती करते हैं कि दर्द कम होने पर उन्हें लगता है कि बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में बीमारी अब अगले चरण में प्रवेश कर रही होती है। ऐसे में जल्द से जल्द ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी लेना शुरू कर देना चाहिए। थ्विंग स्टेज जानेंगे क्या होता है। फ्रोजन शोल्डर का तीसरा स्टेज थ्विंग स्टेज कहलाता है। इस स्टेज में धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर में आराम मिलने लगते हैं, पर रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाता है। हालांकि मरीज में होना जरूरी नहीं है, कुछ मरीज में तीसरे स्टेज में भी स्टिफनेस बना रहता है और रेंज ऑफ मोशन काफी कम रहते हैं। फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम लक्षण क्या होते हैं। फ्रोजन शोल्डर के लक्षण कॉमन यह है कि कुछ मरीजों में यह देखने को मिलता है कि फ्रोजन शोल्डर होने की स्थिति में रात के समय कंधे में बहुत ज्यादा दर्द होता है जब सोते जाते हैं तो, ठीक है, सोने जाते हैं तो। ऐसे में मरीज को सोने में काफी दिक्कत होती है। हालांकि यह लक्षण अलग अलग मरीज में अलग अलग होता है, यानी कुछ मरीज में फ्रोजन शोल्डर के लक्षण इस तरह देखने को मिल भी सकता है, ठीक है, और कुछ में यह नहीं देखने को मिल सकते। फ्रोजन शोल्डर का कारण, आगे कारण क्या होती है, क्यों हमको फ्रोजन शोल्डर होता है, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर के कारण जानने से पहले यह जानना है कि जो हमारा कंधा है यह कई तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जैसे ऊपर देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें हड्डियां, लिगामेंट, टेंडन तथा मांसपेशियों, ठीक है, मांसपेशियों का सम्मिलित होती है, ठीक है। मांसपेशियां मिल करके एक ज्वाइंट बनाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कई तरह के कैप्सूल भी होते हैं जो कि कंधों में मौजूद होते हैं, जैसे ऊपर देख रहे होंगे। जब वही कैप्सूल किसी कारण से मोटा या अथवा कड़ा होने लगता है तो यह कंधे में मूवमेंट को कम कर देता है। मोटे तौर पर इसे हिप फ्रोजन शोल्डर का कारण माना जाता है। इसके अलावा टेंडन, लिगामेंट, मांसपेशियों में खिंचाव होने पर, कुछ और सामान्य होने पर फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो सकती है। अब जानेंगे फ्रोजन शोल्डर जो है इसको सबसे अधिक किसे खतरा है। अब तक के अध्ययनों से पता चला है कि 40 या उससे अधिक उम्र वाले लोगों को फ्रोजन शोल्डर की होने की समस्या बहुत अधिक होती है, ठीक है, रहती है। इसके अलावा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में फ्रोजन शोल्डर की समस्या अधिक देखने को मिलता है। हालांकि फ्रोजन शोल्डर की समस्या किसी भी व्यक्ति को हो सकती है 40 साल से पहले। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को ये स्थिति है तो फ्रोजन शोल्डर होने की खतरा अधिक रहता है। जैसे रोटेटरी कफ इंजरी, अगर आपका हाथ टूटा हो और उसको खोला ना गया हो, फिजियोथेरेपी ना हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में हाथ जाम हो जाता है, कंधे भी जाम हो जाता है। स्ट्रोक कंडीशन में खालिज मार दिया, मूवमेंट नहीं हो रही है तो कंधा जाम हो जाता है। किसी तरह की सर्जरी से रिकवरी कर रहे लोगों में या मूवमेंट नहीं हुआ तो जाम होने लगता है, उसमें फ्रोजन शोल्डर होने लगती है, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट है, आजकल देखा जा रहा है सबसे अधिक डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, डायबिटीज में खतरा बहुत ज्यादा है। दूसरे हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में और पार्किंसन डिजीज में। आपको हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म जानना है, कार्डियोवैस्कुलर जानना है तो मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, फिलहाल इसमें जानते हैं। और से कारण के मरीजों में भी यह फ्रोजन शोल्डर होने का खतरा बना रहता है। फ्रोजन शोल्डर की जांच कैसे करें, कैसे पता करें फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी स्थिति होती है जिसकी जांच आमतौर से इसके लक्षणों के देख करके पता लगाया जा सकता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस करके पता लगाया जा सकता है कि मरीज के, ठीक है, मरीज को फ्रोजन शोल्डर है। जब डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले कंधे की स्थिति जांचता है, रेंज ऑफ मोशन देखता है और पूरा डायग्नोसिस एग्जामिन करने के बाद से, क्लिनिकल एग्जामिन करने के बाद से पता लगा लेता है कि फ्रोजन शोल्डर है। आप डॉक्टर एक बार पूरा एग्जामिन करता है, ठीक है, एग्जामिन करके
ठीक है, शोल्डर का टेस्ट किया जाता है। अगर परेशानी बहुत ज्यादा है तो फिर डॉक्टर कुछ मरीजों का एक्सरे निकाल देते हैं, ठीक है, बोलते हैं एक्सरे करने के लिए, या उसमें भी नहीं समझ में आती है, बहुत समस्या अधिक है, कोई शक बना हुआ है, तो इसमें MRI बोला जाता है। ज्यादातर पेशेंट को MRI करने की नौबत नहीं आती है, तथा कुछ ही समय बाद हॉरिजॉन्टल शोल्डर की स्थिति बेहतर होने लगती है। अगर ट्रीटमेंट लेते हैं, फिजियोथेरेपी लेते हैं, तो कुछ ही समय बाद वो रिकवरी होना शुरू हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट, फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे करें, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर के इलाज का मुख्यतः उद्देश्य मरीज के दर्द में राहत पहुंचाना होता है। जो मरीज जो पीड़ा बहुत होती है उनको दर्द पहुंचाने में सहायता करते हैं फ्रोजन शोल्डर ट्रीटमेंट, ठीक है। हम बताएंगे ट्रीटमेंट के बारे में, फिजियोथेरेपी के बारे में। फ्रोजन शोल्डर के इलाज का मुख्यतः उद्देश्य मरीज को दर्द से राहत पहुंचाना तथा कंधे के रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना होता है। कभी कभी कुछ मरीजों में पेनकिलर की सहारा लेना पड़ सकता है, ठीक है, लेना पड़ जाता है, एक्सरसाइज होती है, ठीक है, या ट्रीटमेंट चल रही होती है। लेकिन लंबे समय तक दवा लेने से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी समस्या पैदा कर सकती है पेनकिलर। अगर आपको इन उपायों से राहत नहीं मिलती है, तो मरीज को फिजियोथेरेपी के पास जाना ही पड़ता है। फ्रोजन शोल्डर में फिजियोथेरेपी सबसे बेहतरीन उपाय है, सबसे बेहतरीन इलाज माना जाता है। इस बीमारी के लिए फिजियोथेरेपी फर्स्ट ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट होती है। इसके लिए बिना दवा का इसमें आराम मिलना चालू होता है। अगर फिजियोथेरेपी क्वालिफाइड एजुकेटेड है तो आपको पहले दिन से आराम देने की कोशिश करते हैं। उससे सबसे पहले फिजियोथेरेपी के पास जाना चाहिए। फिजियोथेरेपी आपको पहले दिन से आराम देना शुरू कर देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज चाहिए, घर पे कैसे करें, तो कृपया इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।